नाइस। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, चाबी है। Marveling your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like good tonight. Sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. मित्रों, एक गांव क्षेत्र में आया हुआ हूँ और बहुत ही प्यारा गांव है। देखो यहाँ पर जो खेत खलियान मेरे पीछे आप देख सकते हो, दूर दूर तक मतलब सिर्फ हरा भरा ही नज़र आएगा आपको। और हमारे साथ आए हुए हैं हमारे चचा, यानी कि जगत चचा हैं हमारे ये, और हमारे एक मित्र भी हैं ये, और जगत चचा भी हैं। और चचा आज हमको घुमाने लाए अपने गांव। तो चचा ने हमसे बोला कि हमारे गांव चलो, भूत दिखाएं। हमने इनको बताया, इन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा है तो ये बोलने लगे गाँव आओ, हम दिखाते हैं भूत। पर यहाँ अभी भूत कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, ना कोई जिस लोकेशन पर ये मुझे ले जाना चाहते थे, दरअसल वहाँ लोकेशन पर जो है अभी कुछ पाबंदियाँ लगी हैं, नहीं जाने को मिल पा रहा है। तो यूं ही फिर अपना हमने सोचा चलो भाई यही नज़ारे ले लेते हैं, यहाँ भूत वूत तो दिखना नहीं है, तो जो ब्यूटीफुल नज़ारे हैं यहाँ के, जो सौंदर्यता है उसे कैप्चर कर लेते हैं। तो घूम रहे हैं फिलहाल। तो भाई चचा, तुमने तो मेरा जो है वो सब स्पॉइल कर दिया। हाँ यार, ये एक लोकेशन है भूतिया टाइप की। ये दोस्तों देखो, ये गली में कुछ इस तरीके का, अगर यहाँ रात को आया जाए तो ये मेरे पीछे जो है ये काफ़ी हॉन्टेड टाइप की दिखती होगी रात में, अगर इसे रात में आकर के शूट किया जाए। और ये कोई मील टाइप की लग रही है। और चले देखते हैं अंदर चाचा, मान लो इधर जगह है। और बंदो मैं आता हूँ। हाँ तो ये एक ऐसी लोकेशन मेरे को दिख रही है जो कि हॉन्टेड टाइप की नज़र आ रही है। और यहाँ पे वाकई में यार रात में अगर यहाँ पर आए, ये रात ये खुलती होगी मील की, बंद पड़ी है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये लोकेशन बंद पड़ी हुई है और यहाँ पर ये शटर वगैरह, यार नीचे पड़ी गंदगी भाई, पानी भरा जगह जगह, देख सकते हो आप लोग कितना पानी है। तो ये एक मील है बंद पड़ी हुई है, जो भी हो। तो मजाक कर रहा हूँ यार, यहाँ पर ऐसे वैसे शूट करना उचित नहीं है रात में आकर के भी, और यहाँ के लिए कोई मतलब भी नहीं बनता शूट करने का, क्योंकि ना ये हॉन्टेड है और ना ही कुछ ऐसा, यहाँ पर कोई रहस्यमय जगह नहीं दिखी मेरे को ये। लेकिन कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर हैं हमारे मित्रगण जो दिखाई देते हैं जिनके ब्लॉग। यार तुम चचा यार गड़बड़ करते हो गुरु, इतना लंबा रास्ता तुमने तय कर लिया और हमको इधर से आना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो ये लोकेशन, हाँ हमारे मित्रगण कुछ हैं यूट्यूब पे जो ऐसी किसी लोकेशन पर आते हैं और उसे हॉन्टेड बना देते हैं। तो चचा भाई ये देखो, ये एक ऐसा स्पॉट है, ये देखो कितना प्यारा, ये बांस है। हाँ ये बांस है, इसके साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है। कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि जिसकी हाइट वगैरह कम हो तो वो इसकी ये जो पत्ती है उसको पानी में उबाल करके अगर खाता है तो उसकी हाइट वगैरह बांस के समान बढ़ने लगती है, ऐसा कुछ सुनने को आया मेरे को, मैंने पढ़ा है, ऐसा गांव के लोग भी बताते हैं। बाकी साइंस इसे माने या ना माने ये नहीं कह सकता मैं। तो बड़ा प्यारा दृश्य है ये यार, काफ़ी आनंदमय। चचा हमारे निकल गए। तो मित्रों ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये एक कोई ब्लॉग नहीं है, एक्चुअली मैं टहल रहा था तो मैंने सोचा यार बड़ा अच्छे नज़ारे हैं यहाँ के, इसको थोड़ा सा कैप्चर करते हैं। और उसके बाद मैंने एक पत्ती ये ले ली है और मैं भी खा के देखूँगा, आधे पौने इंच बढ़ कुछ लंबाई उम्बाई हो जाए भाई, फिलहाल ज़्यादा लंबा होना भी ठीक नहीं रहता है। होप कि आप समझ रहे होगे कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो भाई ये देखो, ये जो मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उसके नज़ारे ये हैं फिलहाल। बचा करके चलना पड़ रहा है। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, विराजमान है, और
काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आई है, थक गई है और कीचड़ युक्त हो चुकी है, तो और शिट यार नाइस विलेज गड्ढे, ये गांव की गलियां और ये कुछ खेत, गजब नज़ारा, वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल। हाँ जी भाई, हाँ जी, कभी कभी तो ऐसी जगह मिलती है। वाओ इस जगह तो जो मेरे को फोटो शूट करानी है, आ जा। भाई पानी गिर गया यार, नाइस। आओ चाचा आ जाओ, वाओ ये हसी वादिया ये खुला आसमां। आ भाई आहा, बारे मौसम, वाह भाई वाह, पीछे देख लिए कितना गजब का नज़ारा है, और खेत खलियानों के बीच चलने का आनंद ही कुछ और होता है भाई। ये हमारे चचा जगत, चचा जगत, चचा होता नहीं है, अपने आसपास कुछ ऐसे सज्जन लोग होते हैं जो जगत बन जाते हैं, जगत मामा, जगत चचा, तो ये हमारे जगत चचा, ये हमारे जगत चाचा। चाचा हमको आज घुमाने लाए हैं अपने गांव, तो हमने सोचा घूम ले। हूँ नहीं, दुनिया देख रही है। हाँ तो बहुत ही प्यारा नज़ारा यार, मज़ा आ गया और काफ़ी कूल। वैसे भी गांव देहात क्षेत्र में कभी कभी आने को मिलता है तो बड़ा आनंद है। तो कैसा लगा आप लोगों को भाई, आप लोग भी बताइए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को दिन के ब्लॉग अच्छे नहीं लगते, कोई ब्लॉगिंग दिन की, कोई भी ब्लॉग किसी भी टाइप का दिन का हो, तो मेरा जो है बहुत मन करता है शूट करने का, लेकिन अब सब लोग, आप लोगों को जो है सिर्फ भूत ही भूत चाहिए भाई, तो भूत यहाँ कहाँ दिन में भूत दिखाए। हाँ ये है कि अगर रात में यहाँ आया जाए तो शायद खेत खलियानों के बीच में जा करके भूत दिखाया जा सकता है, लेकिन और ये हमारे पीछे देखो राइस मिल वगैरह सब है इधर, ये पीछे फैक्ट्रियाँ दिखेंगी नहीं यार, दूर है काफ़ी दीवार के उस साइड, ये इस तरफ कुछ नज़ारे हैं। तो अभी और घूम लेते हैं थोड़ा सा, फिर मिलते हैं भाई यहाँ से। दोस्तों एक चीज़ आपको और बताएं, एक मिनट, यहाँ से जो कि कहते हैं कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ से नेपाल की दूरी महज 100 या 120 किलोमीटर के आसपास ही बाकी रह जाती है, तो अभी हम लोग तय कर रहे हैं कि यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मन तो मेरा बहुत है कि वहाँ जाया जाए, लेकिन एक्चुअली घर से अभी ये बता करके नहीं निकला हूँ कि इतनी दूर भी जा सकते हैं। तो यहाँ से नेपाल की जो दूरी है वो 120 किलोमीटर के आसपास लमसम ऐसा रह जाती है, और अभी देखते हैं क्या, अगर प्रोग्राम कुछ रात वगैरह का अगर होगा, रुक सकता है यहाँ पर, तो स्टे नहीं करेंगे सीधे निकल लेंगे, नहीं तो फिर तो क्यों भाई नेपाल का क्या इरादा है। तो चलते हैं, प्रस्थान करते हैं अब सीधे आगे के आगमन पर, फिर नेक्स्ट व्लॉग, सॉरी नेक्स्ट जो एनालिसिस होगा हमारा, ब्लॉग तो यार आएगा कोई ना कोई, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट एनालिसिस होगा वो बहुत ही घातक होने वाला है, गंभीर, तो देखिएगा ज़रूर। सो बस इतना ही कुछ, चढ़ा दो चढ़ा दो चढ़ा दो, एक दिन तो जाना ही है।
चलते हैं यार, मस्ती कर रहे हैं ये लोग। ओके बाय।